मैं भी बैठ जाती हूँ यहीं पे, चलना है तो चलो नहीं तो यही रहेंगे आज। लेके आ जा, मैं नहीं हिलने वाला हूँ यहाँ से आज। मैं भी नहीं लूंगी, मेरा क्या है। कल रात भर ना गाइस इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है ये देखिए, और इवन अभी भी बारिश रुकी नहीं है, अभी भी हल्की बहुत पतली पतली बारीक सी बारिश लगी हुई है, बट रात भर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ स्नेहा और स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल डायरी ऑफ जीरो टू व्लॉग्स में, और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक से हैं। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत, और जैसे कि मौसम का हाल मैं आपको सुबह सुबह बता चुकी हूँ कि कैसा हो रहा है आज का मौसम, और शायद माही ने भी दिखाई दिया होगा कुछ ना कुछ कि कैसा हो रहा है। अभी भी बारिश रुकी नहीं है, तो मैंने कपड़े उपड़े धोए थे, मैं भी छत में आई थी तो माही भी कुछ शूट करने छत पे आए थे, तो मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग यहीं पे शूट कर लेते हैं आज छत पे ही, और आज थोड़ा सा अलग मोड में कर रहे हैं माइक के साथ, माइक का वायर शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दूर खड़े होके शूट करें तो बहुत लाउडली बोलना पड़ रहा है और चारों तरफ लोग हैं, तो इस वजह से हमने माइक का इस्तेमाल किया है आज, बोया का M1 माइक है हमारा ये, तो आप लोग ज़रूर बताना मेरी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। तो ये माही ने अपने मोटिवेशनल चैनल के लिए लिया था, ये यूज़ करते थे इसको, फिर जब से मोटिवेशनल वीडियोस बनाना इन्होंने बंद किया क्योंकि इनका काम बढ़ गया, तो तब से बेचारा पड़ा पड़ा घर पे ऐसे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको यूज़ कर लिया जाए। वैसे मैंने नहीं सोचा, ये आइडिया माही का था, बोल रही थी तू जोर से तो बोल नहीं रही है, आवाज़ कुछ आ नहीं रही है, तो मैं माइक लेके आता हूँ। तो अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, देखते हैं आज का क्या सीन होता है, और चारों तरफ मतलब आजकल हरियाली है पूरी, क्योंकि अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट चल रहा है, तो अभी ना यहाँ पर बहुत सारा काम होगा, असौज का महीना आता है गांव घरों में, तो बहुत सारा काम होता है, खेत वेत पूरे खाली होंगे, ये हरी घास वास आपको पूरे एक फील्ड टाइप का दिखाई देगा जब खाली हो जाएगा, तो अभी गांव घरों में काम स्टार्ट होने वाला है। मैं भी सोच रही हूँ इस बार की असौज के महीने में गाँव जाया जाए, थोड़ा काम किया जाए, क्योंकि आज तक तो मैं दिल्ली थी तो ससुराल में पहला असौज नहीं मना पाई हूँ मैं, तो देखते हैं इस बारी ससुराल में मनाते हैं पहला सौज। तो गाइज अभी चलते हैं नीचे, कपड़े उपड़े तो मेरे धुल गए और मैंने डाल भी दिए सुखाने के लिए, बट अभी नाश्ता बनाना है करना है, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को, पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। माही तो बोलते रहते हैं ऐसे कि कुछ नहीं करते, लेकिन मेरे पास बहुत काम है यार लाइफ में। सुबह से छत में बैठ रखे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे थे शायद, तो नाश्ता बनाती हूँ मैं। मैंने झाड़ू पोछा सब खुद ही कराया यार आज, अंदर भी नहीं करते ये तो आजकल। ये लो पकड़ो अपना माइक, मैं करती हूँ काम, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो 10:30 बज गए हैं गाइज, और बारिश अभी भी नहीं रुक रही है, मैं जा रहा हूँ शॉप में चाय पानी का कुछ सामान ले आते हैं, क्योंकि कल शाम से बारिश ही चल रही थी तो कुछ सामान वामान लेने आ नहीं पाया मैं, इस वजह से अभी आया हूँ। क्या मस्त मौसम हो रहा है, कल शाम से इतनी ठंड पड़ रही है पिथौरागढ़ में इस टाइम, मज़ा आ रहा है। तो गाइस सामान ले लिया है, अभी बनाते हैं मस्त वाली चाय। तो गाइस चाय पानी हो गया है, अभी जा रहे हैं पानी लेने, हल्का सा मौसम खुला हुआ है अभी, हल्की हल्की धूप है, धूप तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा मौसम खुल गया है, इसलिए जा रहे हैं पानी लेने। एक तरफ कल शाम से अभी तक पूरा पानी बरस रहा था, और दूसरी तरफ हमारे पास पीने का पानी नहीं है, सोचिए क्या हालात हैं। और परसों एक दिन भीग गया था, उसकी वजह से जुकाम हो गया, इसलिए आज छाता भी साथ में लेके जा रहा हूँ, और दोनों जा रहे हैं स्नेहा के पास। ज़रूरी है क्या हम वहीं से पानी लाएं रोज़ रोज़? कल शाम से अभी तक बिना पानी के हैं हम, बिना पानी के मतलब ऐसे ही चला रहे हैं। नहीं मजा नहीं आता घर का पानी पीने। तो गाइज बस पहुंच गए हम लोग जहाँ से पानी लेके आते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पे से नीचे पे से पानी लेके आते हैं, और थोड़ी देर में बैठूंगा अब यहाँ पे, और स्नेहा लेके आएगी पानी। लेके आ जा, क्या हो रहा है पानी जाना 2000। तो क्या हो रहा है इतना सा, तो देखिए इतना सा है गाइस, फिर भी ये इतनी काम चोर है कि लेके नहीं आएगी, मेरे को थकान लग गई, मेरे को थकान लग गई है लेके। मुझे नहीं लगी होगी। कोई नहीं, पकड़ रखे
घर से, घर से खाली पकड़े हैं। मैं यहाँ पे से पूरा वहाँ तक घर तक पकड़ूंगा, तू खाली यहाँ तक ला दे बस। नहीं लाऊंगी मैं। ले आना जा। चलो। अरे ले आ जा। पागल समझ, मैं भी बैठ जाती हूँ यहीं पे। चलना है तो चलो, नहीं तो यही रहेंगे आज। लेके आ जा, मैं नहीं हिलने वाला हूँ यहाँ से आज। मैं भी नहीं लूंगी, मेरा क्या है। जा फिर तू घर को जा, मैं भर के ले आऊंगा। मैं यहीं पे रहूंगी, फिर आप भर के लाओ। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, अकेले नहीं जाऊंगी मैं घर। क्यों? डर लगता है मुझे। इतना सा तो है, देख 10 कदम भी नहीं है। ठीक है आप भर के ला जाओ, मैं बैठती हूँ इधर। तो गाइज यहाँ पे आता है पानी और यहाँ से हम लोग जाते हैं वापस पानी लेके। और देखिए इतने पास में एक मंदिर है यहीं पे, तो 7-8 महीने हो गए हैं हम लोग यहाँ से पानी पी रहे हैं, लेकिन आज तक इस मंदिर में नहीं गए हम लोग। और मुझे तो 2-3 दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ पे मंदिर है कोई, तो आज स्नेहा ने बोला देख के आते हैं इधर क्या है करके, तो मंदिर है शायद इसलिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, मुझे लगा ऐसे ही कुछ पॉइंट टाइप का बनाया होगा ऐसे बैठने के लिए, लेकिन नीचे साइड से मंदिर है। तो गाइस जो इधर गांव है उनका इष्ट देव का मंदिर है, सलेटिया बाबा की जय लिखा है, अच्छा बनाया है। ये देखिए धर्मशालाएं हैं, यहाँ पे धुनी जलाने के लिए भी है। और मंदिर के ठीक इस तरफ कोई प्लांट टाइप का है, इधर वाटर फिल्ट्रेशन होता है या क्या होता है पता नहीं, लेकिन कुछ है यहाँ पे। और ठीक सामने पे ये गाड़ बहती है, ये शायद नालू का पानी आता होगा, और वो वाला पानी जो उधर से बहता है जहाँ से हम पानी लाते हैं वो भी इसी में बहता है, और ऊपर से जो पानी आता है पिथौरागढ़ साइड से तो वो पानी भी इसी नाले में मिक्स होके ऐसे करके यहाँ से वो पुल से होके नीचे को बह जाता है। और काफ़ी टाइम से हम लोग मतलब पानी भर के लिए जा रहे हैं यहाँ से, तो आज सोचा कि यहाँ पे जाके आते हैं, क्योंकि आज वैसे भी हमारा प्लान था कहीं जाने का, बट बारिश ने सब चौपट कर दिया, तो अभी पानी भरने आए हैं तो हमने सोचा मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाके अच्छा ही लगता है, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, तो अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और आजकल ना थोड़ा इधर उधर जाना हमने अवॉइड किया है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, चलती हुई बाइक में बाघ अटैक कर ले रहा है, ऐसे न्यूज़ आ रहा है सुनने में, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं जाना। बट आज हमने प्लान किया था काफ़ी टाइम के बाद कि कहीं जाएंगे, बट रात भर बारिश लगी रही, फिर सुबह भी बारिश थी तो हम जा ही नहीं पाए। अभी आए हैं पानी भरने, तो आपको भी दिखा देते हैं कुछ नज़ारे। तो थोड़ी देर हम लोग रुक गए हैं इस हमेशा वाले कॉमन पुल में, यहाँ पर हम हमेशा रुकते हैं, जार यहाँ पर रख देते हैं और हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर को फिर पूरी चढ़ाई है। और ये वाला रूट आप लोग देख रहे हैं ना, जो इसमें हम लोग कभी नहीं गए हैं, आप लोग सोचिए इतने टाइम हो गए पानी भरने आते हुए, बट इस रूट में नहीं गए। बट लोग बहुत जाते हैं इसमें भी, जो घूमने के लिए आते हैं वो इधर भी जाते हैं और इस रूट में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। ये आई थिंक चेसर वाला है, चेसर वाला रूट है ना, हाँ ये चेसर वाला रूट है शायद, तो लगता तो यहाँ को भी बहुत सुंदर है, बट हम गए नहीं है, जाएंगे अब। मैं माए को बोलती भी हूँ कभी, तो ये आते नहीं है। और ये देखिए नाला बह रहा है, तो ये नाला पता नहीं कहाँ को जाता है, इसका भी एक दिन कुछ परीक्षण करना है कहाँ जाता है करके। और वो सामने पे आपको एक टेम्पल दिखाई दे रहा होगा, तो वो आई थिंक कामाख्या देवी है, हम लोग गए थे वहाँ पर भी, एक मन्नत मांगी थी वहाँ भी पूरी नहीं हुई, अदरवाइज हमें सोच रहे थे हम लोग जाने का दोबारा। बहुत ही सुंदर मंदिर है कामाख्या देवी भी। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद चढ़ाई है। माई को 2 जार पकड़ने हैं, मुझे एक छाता, एक मोबाइल और एक अपना ये लंबा वाला वायर, इसका वेट बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए। शाम होने को है और आज पूरा दिन लगभग बारिश थी, लंच के बाद फिर बच्चे आ गए थे तो बच्चों को पढ़ाया थोड़ी देर, तो अभी अभी जस्ट बच्चे गए हैं और अभी अभी मैं भी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा अभी अभी जस्ट सूर्य भगवान भी आए हैं और जाने भी वाले हैं, सनसेट होने वाला है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी सनसेट दिखा दूं काफी दिनों के बाद और मैं भी थोड़ा सनसेट के मजे ले लूं। वीडियोग्राफर साहब तो आएंगे मेरे साथ, वरना मुझे शूट कौन करेगा, तो चलिए सनसेट देखते हैं छत से। ये देखिए गाइज ये आई थी सनसेट के मज़े लेने, लेकिन सनसेट ने इसके खुद के मज़े ले लिए और सनसेट तो हो चुका है, सामने देखिए यहाँ से सनसेट हो गया है। थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गई है, बहुत लेट नहीं मतलब थोड़ा सा लेट हुई, जैसे मैं वहाँ पहुँची थी ना थोड़ा
दिख रहे थे सूर्य भगवान, मैं तो दिखाऊं आप लोगों को बट लेट हो गया, कोई नहीं मैं कल दिखाऊंगी पक्का। दिन भर सूरज भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे, 5 मिनट के लिए दर्शन दिए और यहाँ लुप्त हो गए हैं।